लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नमस्कार, टीवी वन इंडिया के फेस टू फेस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसी शायर ने कहा है कि जिंदगी सिर्फ चिरागों से रोशन नहीं होती, शिक्षा भी जिंदगी उजियार किया करती है। यह शिक्षा कौन सी है? यह शिक्षा है नैतिक शिक्षा, संस्कार की शिक्षा। और ऐसी ही शिक्षा को पूरे मुंबई में जागरूकता अभियान के जरिए फैला रहे हैं हिंदी भाषी नेता, वरिष्ठ समाज सेवी और सिग्नी फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष अफसर इमाम साहब। इस वक्त अफसर इमाम हमारे साथ खुद रूबरू हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आज के वर्तमान भागम भाग की जिंदगी में नैतिक शिक्षा क्यों जरूरी है। अफसर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि नैतिक शिक्षा आज के दौर के नई पीढ़ी के लिए कितनी जरूरी है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस तरह से आदमी को खाना ज़रूरी है, कपड़ा ज़रूरी है, उसी तरह से आदमी की ज़िंदगी में नैतिक शिक्षा ज़रूरी है। जब तक आदमी के अंदर में नैतिकता नहीं आएगा तो समाज में कैसे रहा जाता है, समाज में बड़े और छोटे का कैसा इज्जत किया जाता है, एहतराम किया जाता है, वो समझदारी उनके अंदर नहीं आएगी। जब तक उनके अंदर समझदारी नहीं आएगी तब तक वो बड़े का आदर नहीं करेंगे, अपने माँ बाप का आदर नहीं करेंगे, अपने रिश्तेदारों का आदर नहीं करेंगे, अपने पड़ोसियों का आदर नहीं करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि आज हर जगह पे, हर स्कूलों में, हर कॉलेजों में, हर इंस्टीट्यूट में, बल्कि हर घर में नैतिक शिक्षा के लिए एक स्पेशल क्लास होना चाहिए, जिसमें हर गार्जियन का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा दे, उनके अंदर में इंसानियत लाए। जब तक उसके अंदर में संस्कार नहीं आएगा, जब तक उसके अंदर में नैतिकता नहीं आएगा, तो उनको समझ में नहीं आएगा कि समाज में ज़िंदगी कैसे गुजारा जाए, एक सफल इंसान हो नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग नैतिक शिक्षा के ऊपर में काम कर रहे हैं। सिग्नी फाउंडेशन के जरिए आप पूरे मुंबई में पहल कर रहे हैं, किस तरह से अभियान को आप आगे बढ़ा रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आपके इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने घर से स्टार्ट किया कि हर रविवार के दिन, छुट्टी का जब दिन होता है, तो हम अपने सारे परिवार के साथ में बैठते हैं और बच्चों से ये बुलवाते हैं कि हमारे लिए हमारा जो पड़ोसी है वो क्यों इम्पोर्टेंट रखता है, उसका महत्व क्यों होना चाहिए। उसके साथ साथ हम उनको बताते हैं बच्चों को कि नैतिक शिक्षा के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसा आपको माँ बाप का इज्जत करना, बड़े बुजुर्ग का इज्जत करना, उसके साथ साथ हमारे देश में जो बनाया हुआ कानून उसका पालन करना। अगर इसको हम लोग पालन नहीं करेंगे तो हर चीज़ हमारे फायदे के लिए बनाया गया है, अगर हम उसको समझदारी अंदर नहीं आएगी तो हम लोग पालन नहीं करेंगे। तो ये सब बात को देखते हुए हम लोग अपने घर से स्टार्ट करते हुए, जहाँ पर मैं रहता हूँ उसके अगल बगल में जो गार्डन है उसमें मैं जाता हूँ, हम लोगों ने प्रोग्राम किया गार्डन में, जितने भी गार्डन में जो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं उनको हम लोग बुलाते हैं और बुला करके हम लोग स्पेशल प्रोग्राम लगाते हैं और उनको बताते हैं कि अपने बच्चों को आप लेके आइए। ओके, हाँ। कि ये बात बच्चों के अंदर में जानी चाहिए कि हमारे समाज में क्या सच्चाई है और क्या अच्छाई है, हर एक लोगों के बीच में आना चाहिए। उसके साथ साथ हमने क्या किया है कि जो हमारे पहचान के स्कूल हैं उस स्कूल में जाता हूँ। स्कूल में जाने के बाद मॉरल एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं उसमें बहुत सारी बातें उसके अंदर में है कि इसके अंदर में सिर्फ माँ बाप का ही इज्जत नहीं, बल्कि समाज का इज्जत, बल्कि राष्ट्र का इज्जत, बल्कि आपको कानून का इज्जत, पड़ोसियों का इज्जत। उसके साथ साथ हम लोग बता रहा हूँ कि हम लोग बिजली का इस्तेमाल जो करते हैं, अननेसरी लोग बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी ज़रूरत उतने इस्तेमाल किया जाए। पानी का हम लोग अननेसरी इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी ज़रूरत है पानी का उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब हम लोगों के बीच में रखते हैं और मैं चाहता हूँ कि हमसे जितना अच्छा हो सके, ऊपर वाले ने जब अपने को ये दिमाग दिया है और हमको ये समझदारी हमारे अंदर है कि समाज में रहने का ढंग कैसा होना चाहिए, तो हम लोग हर स्कूल में, कॉलेज में इस तरह की बात को रखते आ रहे हैं। बल्कि इवन हमने महानगर पालिका के जो आयुक्त थे उनको भी मैंने लेटर दिया था, उनसे एक रिक्वेस्ट किया था कि कम से कम नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा जो संचालित स्कूल है उसमें कम से कम एक घंटा वहाँ पर नैतिक शिक्षा करवाइए, अनिवार्य कराइए। तो उससे क्या हो जाएगा कि
बच्चों के अंदर में जो हमारे आने वाला जो पीढ़ी है, जो भविष्य है, उसके अंदर में एक अच्छाई आएगी, वो समाज में जीने का उनके अंदर में सलीका आ जाएगा, ढंग आ जाएगा, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आपने जैसे कहा कि जीने का सलीका सिखाती है नैतिक शिक्षा, और आप महानगर पालिका आयुक्त से भी इसकी आपने गुजारिश की है कि मनपा स्कूलों में भी इस तरह की चलाई जाए। आज कितना गंभीर ये मामला है कि नैतिक शिक्षा के अभाव में क्या विकृति आपको दिख रही है समाज में, कि इसी इसकी अवहेलना करने के कारण या इसके ऊपर ध्यान नहीं देने के कारण समाज में विकृति फैल रही है, जो युवा पीढ़ी है वो विकृत मानसिकता के शिकार हो रही है, क्रिमिनल बन रही है, आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अगर नैतिकता नहीं आएगा तो आपको समाज में रहने का ढंग ही नहीं आएगा। जिसका दुष्ट परिणाम अभी ये हो रहा है कि आप देखेंगे कि बच्चे स्कूल के नाम से घर से बाहर निकलते हैं, कहीं कॉर्नर पे बैठ के अपने दोस्तों के साथ में चरस पी रहे हैं, गांजा पड़ रहे हैं, पी रहे हैं, आपको नशे का मतलब के लत उनको लगा जा रहा है। इस तरह के बहुत सारी एक्टिविटी उनके अंदर में आ रही है, बच्चों के अंदर में कंट्रोल नहीं करने के कारण, उनको शिक्षा, नैतिक शिक्षा नहीं देने के कारण उनके अंदर गुस्सा देखिए। आज एक छोटा छोटा बच्चा है जिसको चलने नहीं आता है, उसके अंदर में इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, ये जरा सोचने वाली बात है। क्योंकि हम लोग ने क्या किया है ना, कि हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, IAS बनाना चाहते हैं, IPS बनाना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, लेकिन इंसान बनाने के लिए हम लोग कोशिश नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो नैतिक शिक्षा से ही बच्चों के अंदर में इंसानियत आती है, और हम लोग उसी से दूर हो रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर आज ऐसा होता जा रहा है कि बच्चों के अंदर बहुत सारी कमी आते जा रही है। मैं तो बता रहा हूँ कि अगर नैतिकता नहीं है तो आप बढ़ा बच्चे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर भी बना दिया तो डॉक्टर समाज के काम नहीं आने वाला है, बल्कि वो डॉक्टर जो है ना, आपको हम तो बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा कड़े लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि वो डॉक्टर के अंदर में थोड़ा कट्टरता आ जाता है, उनके अंदर में ये बिल्कुल सेंटीमेंट नहीं कि हमारे पास जो पेशेंट आया है वो इलाज के लिए आया है, तो उनको क्या बीमारी है उससे मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि इस पेशेंट को हम किस तरह से उनका पैसा काट लिया जाए, उनको अलग अलग जाँच में उनको फंसा करके उनसे कमीशन वसूल कर लिया जाए, ये नैतिकता के कारण आ रहा है। आप देखिए आज के दिन में आप मुझे बताइए कि हम लोग जो हमारे देश में आकर जिन्होंने राज किया, मुगलों ने राज किया, यहाँ पर आकर के अंग्रेजों ने राज किया, लेकिन आज जो उन्होंने 300-400 साल पहले जो बनाया था सड़क, जो बनाया था आपको महल, जिस पोजीशन में कल था वो आज भी है, आज भी है। और आज के कॉन्ट्रेक्टर में बता रहा हूँ कि आज रोड बनाते हैं बारिश से पहले या बारिश के बाद रोड टूट जाती है, खराब हो जाता है। बिल्कुल। आज आप कोई भी बिल्डिंग में देखिए, किसी भी जगह पर रोड में देखिए, आप कोई भी काम आप देखिए, हर काम में लोग पैसा कमाने के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं, उनको सेंटीमेंट से कुछ मतलब नहीं है, उनके देश का भविष्य कोई मतलब नहीं है, लोगों से उनका मतलब के गरीबों से, बेरोजगारों से, बल्कि आपको मतलब कि एजुकेशन से कुछ लेना देना नहीं है, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, और जिसके कारण इतनी गिरावट आ चुकी है कि ये हम कहने में हमको ज़्यादा मतलब कि तकलीफ बिल्कुल नहीं होगा कि अंग्रेज आकर के यहाँ पर जो काम करके गए वो आज ये लोग नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सब गद्दार हैं देश के, जो देश का पैसा खा करके देश में रह करके यहाँ से बड़े हो जा रहे हैं, और लेकिन देश के बारे में अच्छा सोच नहीं रहे हैं, यहाँ के आपको रोड के बारे में अच्छा सोच नहीं रहे हैं, यहाँ के मतलब कि जो भी डेवलपमेंट किया है, जो बन रहा है, सबके बारे में अच्छा सोच नहीं रहे। मुझे लगता है कि इनके अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, और ये कमियाँ सिर्फ और सिर्फ नैतिक के कमी के कारण हो रहा है। मतलब नैतिकता का भाव जो है नहीं है अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने लोगों के प्रति, या जो समाज के जो मजबूर और पीड़ित तबका है उसके लिए अगर नैतिकता की भावना नहीं है, अपनापन नहीं है, तो निश्चित तौर पर वो बाजारीकरण की तरफ, उसका उसका जो फायदा उठाने की सिर्फ कोशिश है। आपने बहुत सही बात कही। छात्रों में आप किस तरह से देख रहे हैं कि अगर इस तरह की चीज़ें अगर जरूरी हैं, नैतिकता जरूरी है ताकि बच्चे क्रिमिनल ना बने या उनकी मानसिकता दूषित ना हो, तो आपको क्या उपाय गंभीर ऐसे लग रहे हैं कि जिसको प्रशासन को करना चाहिए और सरकार को इसके लिए फिर से पहल करनी चाहिए? देखिए, हम बता रहे हैं आपको कि सबसे पहले तो मैं हर गार्जियन से उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए,
लेकिन बच्चे का भविष्य उज्जवल कब होगा? जब उसके अंदर में नैतिकता आएगा। आप अपने घर से माँ जो का जो गोद होता है ना, ये कहावत है कि बच्चों का पहला पाठशाला होता है, तो हम घर से शुरू करें, घर से बच्चों को नैतिक शिक्षा दें, उनको समाज में क्या किस तरह से जिंदगी गुजारना चाहिए वो बच्चे को बताएं हम लोग। अगर हम लोग घर से ही नैतिक शिक्षा देना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है ना बच्चों के अंदर में इतना सहलाइत आ जाएगी कि बच्चा आगे चल कर गया है उसको सीधा रास्ता खुद से ढूंढ लेगा। तो मैं चाहता हूं कि हर घर में, हर समाज में अपने घर से ही उन्हों नैतिक शिक्षा का मतलब कि एक अध्ययन शुरू किया जाए। और स्पेशल जो है उनके लिए टाइम निकाला जाए, क्योंकि क्या होता है कि अगर बच्चों के अंदर में इंसानियत नहीं आया, नैतिक शिक्षा नहीं आया, तो बच्चा पढ़ लिख करके भी समाज का भला नहीं कर सकता है, अपने माँ बाप का भला नहीं कर सकता है, देश का भला नहीं कर सकता है। तो मतलब घर से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। प्रशासनिक तौर पर क्या आपको लगता है, सुझाव आप देना चाहेंगे? देखिए, हम तो आपको बताया कि मैं महानगर पालिका के आयुक्त से इस बात को हमने जाकर उनको लेटर दिया है, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि महानगर पालिका संचालित जितने भी स्कूल हैं वहाँ बच्चों को आप कम से कम एक घंटा जो है नैतिक शिक्षा का वहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाए। इसके साथ साथ मैं बता रहा हूँ कि महानगर पालिका संचालित है, क्यों प्राइवेट क्यों नहीं? आप जिस तरह से आपने सिनेमा हॉल में आप जाते हैं वहां भी चालू हो जाए, आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहां भी चालू हो जाए, किसी ऑफिस में जाते हैं वहां भी चालू हो जाए, हर जगह चालू होना चाहिए। क्योंकि आप मुझे बताइए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज आप देखिए वृद्धा आश्रम, इसकी दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। क्या रीजन है? आज पढ़े लिखे लोग जो है, जो पैसा कमा चुके हैं, आप देखिए उनके माँ उनके बाप जो है ना वृद्धाश्रम में रह रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर। बच्चे को टाइम नहीं है, बच्चे को ये टाइम बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने माँ बाप का सेवा करूं, है? या तो आपको बताइए किसी कारणवश किसी के बोली पर या किसी तरह का माहौल घर में खराब हुआ तो लोग जो है ना माँ बाप को पहुंचा दे रहे हैं वृद्धाश्रम में। अरे शर्म की बात है। मैं बोलना चाहता हूं कि जिस माँ बाप ने अपना सब कुछ अपने बच्चों के पीछे निछावर कर दिया, हाँ। माँ बाप के दिमाग में क्या बात रहता है कि माँ बाप का जितना भी कमाया हुआ जो चीज रहता है वो बच्चों पर डिपॉजिट करती है, ये बताती है कि मेरा बच्चा जितना बड़ा होगा वो माँ बाप को लगता है कि ये हम बच्चों के अंदर इन्वेस्ट किया है कि बुढ़ापा में हमारा बच्चा जो है सहारा बनेगा। और जिस माँ बाप ने उंगली पकड़ के बच्चे को चलना सिखलाया है, ये माँ बाप को लगता है कि मैं वहां पर डिपॉजिट कर रही हूँ। अगर वो बच्चा उनको आश्रम वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहा है तो आप समझ लो कि माँ बाप का सारा खजाना लूट गया, माँ बाप कंगाल हो गए। आपको बता रहा हूं तो कितना बड़ा माँ बाप के ऊपर में एक सेटबैक आता होगा, कितना बड़ा उनके अंदर में तकलीफ उनकी पहुंचती होगी जब उनका बच्चा जो है उनको किसी के बोली पर या उनको टाइम नहीं होने के कारण उनको अगर वृद्धाश्रम में पहुंचा रहा है भटकने के लिए छोड़ देता है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर स्टार्टिंग से हम लोग अपने घर में नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाना शुरू करें, स्कूलों में, कॉलेजों में, इंस्टीट्यूटों में, तो मैं बता रहा हूँ कि इस तरह की जो प्रवृत्ति हो रही है निश्चित तौर पर उसको रोका जा रहा है, रोका जा सकता है, और बच्चों के अंदर में अच्छी सलाहियत आ सकती है। अभी आने वाले समय में किस तरह के सिग्नी फाउंडेशन कहाँ कहाँ और अभियान चलाने वाली है, क्या प्लानिंग है आपकी आने वाले समय के लिए 2020 में? देखिए, मेरा इंटेंशन ये है, मैं एक्चुअल में ये समाजकरण का काम तो हमारे अंदर में कुट कुट के भरा हुआ है। जब भी देश में किसी तरह का भी दुर्घटना घटता है तो आपको मालूम होगा कि मैं पौंडीचेरी नांगापट्टनम जैसा एरिया में गया हूँ, गुजरात में भूकंप आया वहाँ गया हूँ, अभी फिलहाल में महाराष्ट्र में जो पूर आया था बाढ़ आया था वहाँ भी मैं गया हूँ। तो मेरा ये रहता ही है कि ऊपर वाले ने उस लाइक बनाया तो मेरा फर्ज बनता है कि हम अपने दायित्व को पूरा करें। ऊपर वालों को हमको जवाब देना है, बल्कि हर एक आदमी को जवाब देना है। ऊपर वाला पूछेगा एक दिन, आपके मरने के बाद भी कम से कम ये पूछा जाएगा कि आपने समाज के लिए क्या किया, आपने अपने माँ बाप के लिए क्या किया, आपने देश के लिए क्या किया। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस तरह का काम को आगे बढ़ाऊं। और मैं आपको बता रहा हूं कि अभी हम लोगों ने स्कूल में चालू किया है, धीरे धीरे हम स्कूल में पहुंचने वाले हैं। खुद मैं अप्रोच कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि मैं आपके बच्चों को एक घंटा हमको टाइम दीजिए और उसके बाद आपको अच्छा लगता है तो इसको आप कंटिन्यू कीजिए। और उसके बाद गार्डन में जाता हूं, अब जहां सोसाइटी में रहता हूं वहां के लोगों को मैं बुलाता हूं कि भाई हमारी बात को सुनो। मैंने उस पर बहुत सारा लेख लिख रहा हूँ मैं कि भाई माँ बाप के साथ में बच्चों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, पड़ोसियों के साथ में दूसरे पड़ोसियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, समाज
में जिंदगी कैसा गुजारना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना इलेक्ट्रिसिटी आप इस्तेमाल कीजिए, जितनी जरूरत है उतना पानी आप इस्तेमाल कीजिए, ये सब मॉरल एजुकेशन में आता है। उसके लिए मैं एक्चुअल में अभी समय क्या करता हूँ कि मैं पहले अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा करता हूँ, अपने बच्चों को बताता हूँ, उनसे मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो बना करके मैं सिग्नी फाउंडेशन का मेरा एक चैनल है उस पर मैं अपलोड करता हूँ और लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप देखिए। बिल्कुल, मैं मेरे अंदर में सिर्फ बात ऐसी है कि मैं चाहता हूँ कि समाज में एक बड़ा सुधार आ जाए, जो लोग भटक रहे हैं, जो लोग नशा के तरफ जा रहे हैं, जो लोग समाज का इज्जत नहीं कर रहे हैं, जो लोग कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर में सुधार आना चाहिए, एक अच्छा जो है राष्ट्र बनना चाहिए, अच्छा समाज बनना चाहिए, और मैं ये प्रयत्न कंटिन्यू कर रहा हूँ। आखिरी में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, किस तरह से जो आपकी ये पीड़ा है कि समाज जो है नैतिक शिक्षा से दूर हो रहा है, खासकर बच्चे जो है अभी नए दौर के जो बच्चे हैं वो नैतिक शिक्षा से मॉरल एजुकेशन से दूर हो रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे आप पेरेंट्स से कि कितना ज़रूरी है इसे गंभीरता के साथ इसे अपनाएं ताकि उनका बच्चा ना सिर्फ शिक्षित बने बल्कि संस्कारी भी बन सके। देखिए, ये हर एक गार्जियन को मालूम है कि उनका बच्चा उनके काबू में है कि नहीं है, हर एक गार्जियन को मालूम है। बिल्कुल, हाँ। बहुत ऐसा आपको घर होगा जहाँ पर आपको नैतिक शिक्षा के बारे में बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, लेकिन मास लेवल पे नहीं हो रहा है। ओके, हाँ। ये मास लेवल पे होना ज़रूरी है। मैं हर गार्जियन से और जहाँ तक हमारी बात जा रही है उन सबसे मैं बल्कि हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमको अपने बच्चे जो हमारे देश के भविष्य है उसको हमको बचाना है, हमको बच्चे को भविष्य में आगे लेके जाना है, एक अच्छा देश का, एक अच्छा अपना राष्ट्र का निर्माण करना है। आज आप देखिए कि नैतिक शिक्षा नहीं होने के कारण आज लोग जो है एक दूसरे, बहुत सारे कम्युनिटी जो है एक दूसरे को ऊपर में आपको प्रांतवाद के नाम पर, आपको धर्म के नाम पर आलोचना कर रहे हैं, उनके अंदर अगर समझदारी आ जाएगा तो मैं बता रहा हूँ, एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आज आपका पड़ोसी, पड़ोसी का मतलब पड़ोसी, पड़ोसी का मतलब ये नहीं कि कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन मेरा पड़ोसी है। आपको अगर किसी तरह का भी तकलीफ होता है तो आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वो बाद में आते हैं, पहले आपका पड़ोसी आता है। तो पड़ोसी का अगर हम लोग इज्जत नहीं करेंगे तो कहां से आपका साथ देने वाला है। तो जब आपको बता रहा आपके अंदर में नैतिकता आएगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पड़ोसी क्या होता है हमारे लिए, उसी पर आधारित सब कुछ है। तो मैं सभी गार्जियन से अनुरोध करता हूं कि आप अपने घर में नैतिक शिक्षा को आम करें, किसी टाइम में जब भी आपको छुट्टी मिले तो बच्चे को साथ में बैठिए लेकर के। हम लोग जो है टीवी देखने में थोड़ा कम करेंगे तो कुछ कमी नहीं हो जाएगी, अगर हम लोग मोबाइल पर काम करना कम कर देंगे तो हमारे अंदर कुछ कमी नहीं हो जाएगी, लेकिन बच्चे को अगर हम लोग नैतिक शिक्षा नहीं देंगे तो ये बच्चा आगे चल के किस लाइन में चला जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए बच्चे को उनके भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए, हम से आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चे को कम से कम एक घंटा डेली नैतिक शिक्षा का ज्ञान आप लोग दें, इससे आपका ये फायदा होगा और बच्चे का ये फायदा होगा और समाज का ये फायदा होगा, हमारे राष्ट्र का ये फायदा होगा। बस ये मैं चाहता हूँ, आप लोग से विनती करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अफसर भाई, आपने बहुत सारी बातें कही। और किसी साहब ने लिखा है कि बच्चों में रख दीजिए संस्कार के बीज, हरदम साथ निभाएंगे बन करके ताबीज। सही बात है कि नैतिक शिक्षा बच्चों के लिए संस्कार पैदा करती है, उनका आचरण सुधारती है और उनको गलत रास्ते पर जाने से रोकती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से सिग्नी फाउंडेशन के जरिए वरिष्ठ समाजसेवी अफसर इमाम प्रयास कर रहे हैं कि समाज में जो नए बच्चे हैं, नई आने वाली पीढ़ी है, माता पिता उन्हें अच्छी शिक्षा दें, नैतिक शिक्षा दें ताकि वो इंसानियत सीख सकें। अच्छा प्रोफेशनल बनने से ज़्यादा जरूरी है कि हम संस्कारी बनें और इंसानियत को समझें। निश्चित तौर पर यही एक आधार है कि एक प्रोफेशनल अगर संस्कारी बन जाए, इंसानियत सीख ले, तो इस देश और समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। उम्मीद करते हैं कि आप सब जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, सिग्नी फाउंडेशन के इस पहल को आप मदद करेंगे, समर्थन करेंगे और अपने बच्चों तक जो वो शिक्षा, जो वो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में आप सहभागी बनेंगे और अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए रोज कम से कम नैतिक शिक्षा देने की आप कोशिश करेंगे।
आज के इस फेस टू फेस में बस इतना ही। अगली बार हम फिर किसी नई शख्सियत के साथ मिलेंगे और उनसे चर्चा करेंगे फेस टू फेस।